नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलइट में दोस्तों उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं अच्छे हैं मस्त बिंदास हैं दोस्तों टाटा स्टील के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में आज हम यहां पे बात करेंगे जो कि मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर द एस्पायरिंग इंजीनियरिंग प्रोग्राम टू थाउजेंड ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है एट फरवरी का आप यहाँ देख सकते हैं टाटा स्टील इज सिकिंग एप्लीकेशन फॉर द इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोजीशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग इन द एफ सी एस एंड आई फॉर अ टाटा स्टील सी वर्� और आई फील्ड के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये पोस्टें अवेलेबल हैं प्रोग्राम डिटेल क्या है सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज ए इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वन ईयर एक साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा द ट्रेनिंग विल सब्जेक्टेड टू एवेल्यूशन ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ ट्रेनिंग दे विल बी कंसिडर फॉर द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ थ्री ईयर एज ए असिस्टेंट मैनेजर एट अ टाटा स्टील तीन साल का आपका फिक्स टर्म टेन्योर योर कंसिडर कर दिया जाएगा यानी आप कॉन्टैक्ट बेसिस पे आपको रख लिया जाएगा फंक्शन ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो क्या होगा आपका मस्ट हैव कंप्लीटेड शुड हैव फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बी बी टेक बी एस सी इंजीनियरिंग इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन आई टी एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो कैंडिडेट्स हैं बी टेक और बी एस सी वाले कैंडिडेट्स वो लोग एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए मस्ट हैव कंप्लीटेड शुड फाइनल ईयर स्टूडेंट एम सी एंड एम एस सी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन मैथमेटिक्स स्टेटिक्स फिजिक्स ऑपरेशन रिसर्च इससे अगर किन्हीं फाइनल ईयर में है कोई उन्होंने इससे एम एस सी कंप्लीट किया है चाहे एम सी कम्प्लीट किया है तो वो भी एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए उसका कह रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर कैंडिडेट हुए हुव कम्प्लीटेड थ्री ईयर डिप्लोमा और डायरेक्टली ज्वाइंट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर फाइनल ईयर ऑफ बी बी टेक बी एस सी आर आल्सो एलिजिबल जैसे डिप्लोमा के बाद बी टेक किया जाता है तो डायरेक्टली थर्ड सेमेस्टर उनका इनरोलमेंट मिल जाता है मस्ट हैव अटेंड फुल टाइम ए आई सी टी यू जी सी अप्रूवल कैंपस प्रोग्राम फॉर जनरल कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम सिक्स पॉइंट फाइव स्कोरिंग पैटर्न सी जी पी ए के हिसाब से एंड सिक्सटी फाइव परसेंट आपका मिनिमम होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस बात का आपको ध्यान देना है फॉर द ट्रांसजेंडर एंड पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स के लिए ये लाइन लिखी गई है उनका साठ परसेंट है मिनिमम क्राइटेरिया प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव हुआ आर डो मिसाइल ऑफ़ स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा जिनका झारखंड और उड़ीसा का डोमिसाइल है उनको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई करिए लेकिन कह रहा है कि अगर दो कैंडिडेट को अप्लाई लेना होगा अगर झारखंड वाला है एक आपका अदर स्टेट का है तो वो झारखंड वाले को उस जगह पर ले लेंगे एज लिमिट की अगर बात करें इसमें तो आप यहाँ देख सकते हैं तीस साल है किससे एक फरवरी दो से आपको काउंट करना है ठीक है इसमें जो पैकेज रहने वाला है दो लाख पचास हज़ार पर एन जो रहेगा आपका तीस हज़ार पर मंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट पी वन ईयर का रहेगा ठीक है आपका इंक्लूडिंग हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस दो ढाई लाख का आपका हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस है पर एन का ठीक है आप सक्सेसफुल ट्रेनिंग एक साल की पूरी कर लेंगे तो आपका सी जो होगा सिक्स लाख पर एन का रहने वाला है यहाँ पे ठीक है उसके बाद अदर गाइडेंस जो है टाटा स्टील इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय एंड इंकरेज कैंडिडेट फॉर द डाइवर्स बैकग्राउंड टू अप्लाई जो बैकग्राउंड लोग उनको भी इंकरेज करता है ठीक है तो ये सब इसके क्राइटेरियाज हैं इसकी लिंक यहाँ पे दी गई है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहाँ पे आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और डायरेक्टली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं ठीक है इसके फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो तीन तीन दो हज़ार तेईस है तो आपके कॉन्टैक्ट में जो कोई भी बी वाले कैंडिडेट बी एंड एम वाले कैंडिडेट्स हैं जो टाटा स्टील में अप्लाई करना चाहते हैं उनको आप ये नोटिफिकेशन पहुँचाएँ और ये लिंक शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुँच पाए धन्यवाद